नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल की सजा पर आया अमेरिकी सांसद जॉर्ज अब्राहम का बयान, बोले भारत में गांधीवादी विचारधारा के साथ हुआ विश्वासघात। और की सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का हुजूम, प्रियंका गांधी बोली कर्नाटक चुनाव जीत कर देंगे बीजेपी को जवाब। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, केरल में आज ब्लैक डे मनाएंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर 7 राज्यों में अलर्ट, टेक्निकल सर्विलांस में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में छिपे होने के संकेत। साधु के भेष में नेपाल भाग सकता है अमृतपाल, गौरी फंटा बॉर्डर पर अलर्ट जारी, डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश जारी। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर नया खुलासा, SGPC में अपना दखल कायम करने के लिए लड़ना चाहता था चुनाव। अमृतपाल के उस्ताद पपलप्रीत पर आयकर विभाग का शिकंजा, बैंक खाते में जमा 4,48,000 रुपए का मांगा हिसाब। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में चॉकलेट फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की गई जान, 9 लापता की खोज जारी। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना, यूपी के 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट, दिल्ली में रहेगा खुशनुमा मौसम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थकों से की अपील, बोले रिश्वत मांगने में दोषी ठहराया तो होगा मौत और विनाश का खेल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बना सीरिया, एयर स्ट्राइक के बाद बाइडेन की चेतावनी, हम रुकने वाले नहीं। उमेशपाल हत्याकांड में 1 महीने बाद भी पुलिस वहीं की वहीं, शूटरों की तलाश में खाक छान रही पुलिस, नहीं लगे हाथ। सैन फ्रांसिस्को में भारत के समर्थन में भारतीय अमेरिकियों ने निकाली रैली, खालिस्तान समर्थकों के विनाशकारी गतिविधियों की निंदा कर फहराया तिरंगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन पर लगाया सुरक्षा न देने का आरोप, बोले बर्दाश्त नहीं होंगे भारतीय उच्चायोग पर किए गए हमले। सिंध मुत्तहिदा महज ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का किया पर्दाफाश, मानवाधिकार परिषद में सरकार और सेना के अत्याचार की खोली पोल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, बोले वित्त मंत्रालय के पास चुनाव कराने के लिए नहीं है पैसे। कोलकाता में 4 दिवसीय प्रथम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू, राज्यपाल बोले सिने जगत में परिवर्तन लेकर आए सत्यजीत रे और मृणाल। गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, ट्रेन हादसे से संबंधित गुजरात सरकार की याचिकाओं का होगा निपटारा। भारत गौरव ट्रेन से पूर्वोत्तर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के लिए दिखाई गई हरी झंडी। कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की राजभाषा पत्रिका का विमोचन, RPO आशीष सिन्हा बोले दुनिया में बज रहा हिंदी का डंका। गडकरी के कार्यालय को धमकी मामले में नागपुर पुलिस की कार्रवाई, कर्नाटक जेल से मोबाइल फोन और सिम कार्ड किया गया जब्त। भारत और इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हुई वार्ता, आतंकवाद से लड़ने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। त्रिपुरा में भाजपा के विश्वबंधु सेन चुने गए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी TIPA मोथा के 13 सदस्यों ने नहीं किया मतदान। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री रिजू ने दी शुभकामनाएं, बोले न्यायिक कार्य में आएगी तेजी। 28 से 30 मार्च तक मुंबई में होगी G20 व्यापार समूह की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि करेंगे विचार विमर्श। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन, कर्नाटक के दावणगेरे जिले में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने उठाई समान नागरिक संहिता की मांग, बोले एक राष्ट्र और एक कानून से देश में आएगी समानता। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय कौशल महोत्सव, भर्ती अभियान से विदेश में भी नौकरियां दिलाएगा NSDC इंटरनेशनल। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार के नाम शामिल। मध्य प्रदेश के सतना जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर, महिला से दुराचार के बाद हत्या करने वाले का ढाया घर। उज्जैन यूनिवर्सिटी की छात्रा अंकिता ने पीएम मोदी पर की PhD रिसर्च में शामिल किए छोटे बड़े और ऐतिहासिक फैसले। उज्जैन में टाइम कीपर 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जिले के औद्योगिक विकास निगम कार्यालय में था तैनात। झारखंड के चतरा में माने अपने कलेजे के टुकड़े का किया सौदा, नवजात को 4.5 लाख रुपए में बेचा, 11 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा, अजमेर में 22 साल पहले SP आलोक त्रिपाठी को मारा था थप्पड़। राजस्थान के पोखरण रेंज में सेना की मिसाइल मिसफायर, खेतों में गिरा मलबा, दिए गए जांच के आदेश। बूंदी की अडाड़ी विल्मर फैक्ट्री में श्रमिक बाबूलाल ने गंवाए दोनों पैर, ना पेंशन मिली ना नौकरी, पीड़ित ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार। हरियाणा के पानीपत में ASP ने पिता और बेटे भतीजे को कुचला, कार से 50 मीटर तक घसीटा, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा में 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी विशेष गिरदावरी, खराब हुई फसलों का मई तक मुआवजा देने का आदेश। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बर्फबारी से फिर गिरा तापमान, ठिठुरन का बड़ा एहसास, आज भी बरसात के आसार। शिमला के होटल रेडिसन ब्लू में होगी G20 की बैठक, सफल आयोजन के लिए विभागों की जिम्मेदारियां तय।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी होगा स्थानांतरित। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। गाजियाबाद के डीएलएफ में खेल रहे बच्चे पर पिटबुल का हमला, कमर हाथ और पैर पर काटा, पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने विधानसभा में लगाया आरोप का फ्री बिजली पर रोक लगाना चाहते हैं एलजी और मुख्य सचिव। हफ्ते भर का बचा दिल्ली एमसीडी के मेयर का कार्यकाल, अगले महापौर के चुनाव तक पद पर बनी रहेंगी शैली ओबराय। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने संदीप बड़बासनिया गिरोह के 3 शूटर किए गिरफ्तार। हाथरस के अंकित पुंडीर की मौत के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, जहर देने के बाद प्रेमिका ने किया फोन, मौत की करना चाहती थी पुष्टि। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर लगाया आरोप, अमृतपाल को पकड़ने में गंभीर नहीं, सूचना के 1.5 दिन बाद पहुंची पुलिस। 17 साल पहले की सफलता दोहराने उतरेंगी महिला मुक्केबाज, आज नीतू और स्वीटी के निशाने पर होंगे स्वर्ण पदक। एशिया कप में भारत के अलावा बाकी देशों के पाकिस्तान में होंगे मैच, यूएई श्रीलंका या इंग्लैंड में हो सकते हैं टीम इंडिया के मैच। एशिया कप से ठीक पहले आयरलैंड के दौरे पर होगी टीम इंडिया, खिलाड़ियों को यात्रा से बचाने के लिए इंग्लैंड में हो सकता है मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।